नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट भी सचिन बोल रहा हूँ, फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं हर की ऐसे अगर मैं क्रिकेट खेलना शुरू करूँ तो मैं क्या इंटरनेशनल तक पहुँच पाऊँगा। कोई 16, कोई 15, कोई 20, कोई 23, कोई 26 वाला भी है। तो सबके लिए मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, बहुत सारे दोस्तों ने देखा भी नहीं है। ये मैं आपको इंटरनेशनल तक कैसे प्रोसेस, कैसे आप इंटरनेशनल तक पहुँचते हैं वो सारा प्रोसेस आज बताऊँगा, ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। दोस्तों सबसे पहली जो बात है वो ये है कि आपने चाहे किसी भी हालत में अगर आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना चाहते हो तो आपने एकेडमी ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। क्योंकि एक चाहे घर में मेरे पापा प्रिंसिपल हैं लेकिन मैंने स्कूल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि डिग्री आपको स्कूल से ही मिलेगी, एक्सपीरियंस आपको स्कूल से ही मिलेगा। घर में आपको कोई कितना भी सिखाए, घर में पढ़ाया हुआ आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा स्कूल में, लेकिन आपको डिग्री स्कूल से ही मिलेगी। और वहाँ पे जाने का एक्सपीरियंस, दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करने का एक्सपीरियंस कुछ अलग होता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले जो मैं बात बता रहा हूँ, कैसे भी मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत ज़्यादा महंगी वाली एकेडमी में जाओ, आप जो जितनी सस्ती से सस्ती एकेडमी में भी आप अपना एडमिशन करा सकते हो। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप वहीं से आराम से आगे निकल सकते हो। दूसरी बात, सिलेक्शन होता कैसे है? आपने एकेडमी ज्वाइन कर ली। एकेडमी में क्या होता है कि जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर माना 20 एकेडमीज हैं। 20 एकेडमी में क्या होता है कि एकेडमी वाले सब, हर कोई ये चाहता है कि मेरे एकेडमी से बच्चा आगे बढ़े, तो वो इंटर एकेडमीज में मैच कराते हैं। लगभग साल में बहुत सारे मैच कराते हैं इंटर एकेडमीज में, उसमें हर वर्ग के प्लेयर्स आते हैं, अंडर 14 के भी आते हैं, अंडर 12 कोई ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल टूर्नामेंट नहीं होता है, लेकिन अंडर 12 और अंडर 10 ऐसे बच्चों का थोड़ा वो कराने के लिए, मोटिवेट कराने के लिए, उनको ये दिखाने के लिए कि गेम ऐसे होता है, उनको मैच कराते हैं। मेन होता है अंडर 14 से, अंडर 14 में जाने से पहले वो एक बच्चों को छांटना शुरू कर देते हैं। तो अंडर 14 में क्या होता है कि सारे आपस में मैच कराएंगे इंटर क्लब, जो जिसमें अकेडमी में है, तो उस अकेडमी में से क्या होता है एक एक दो दो बच्चे छंटते हैं एक टीम बनाने के लिए, एक डिस्ट्रिक्ट की टीम बनाने के लिए। तो फिर क्या होता है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट हो गए, फिर उसके बाद क्या होगा, आपके स्टेट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन डिस्ट्रिक्टों का इंटर डिस्ट्रिक्ट मैच होगा। उस इंटर डिस्ट्रिक्ट में से जब आप सेलेक्ट होते हैं तो आप चले जाते हैं इंटर स्टेट में, फिर स्टेट लेवल की टीम बनती है अंडर 14 की। तो जैसे आप वहाँ से सेलेक्शन हो जाता है तब आप आगे बढ़ते हैं ऐसे। तो इस टाइप से सिलेक्शन प्रोसेस होता है। सेम प्रोसेस अंडर 16 में भी होता है, सेम प्रोसेस अंडर 19 में भी होता है। अब अंडर 19 पहुँचते क्या होता है कि अंडर 19, ख़ास तौर से अंडर 16 के बाद जो सेलेक्टर्स होते हैं उनकी नज़र आप पर पड़नी शुरू हो जाती है कि कौन स्टेट से, कहाँ कहाँ से बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनकी नज़र आपके ऊपर पड़नी शुरू हो जाती है। वहाँ से क्या होता है, आपने देखा होगा आजकल यंग लड़के भी जो इंडिया की टीम में नहीं खेले हैं, अंडर 19 नहीं भी खेले हैं, वो भी क्या होता है आईपीएल के लिए सिलेक्शन हो जाते हैं। क्यों? उनको डोमेस्टिक प्लेयर भी चाहिए होते हैं अच्छे, जो बिल्कुल जो है घरेलू मैचों में जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है उनको भी देखते हैं। उसके अलावा अंडर 19 में जो टीम बनी हुई है उनमें से भी सेलेक्ट करते हैं, सारी चीज़ों में से सेलेक्ट करते हैं। आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए तब जाके आपको जो आईपीएल के फ्रेंचाइजी हैं वो सब अपने लोगों को छोड़े रहते हैं, भाई हर जगह आप नज़र रखो कहाँ से लड़का अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, ताकि उनको हम अपनी टीम में सेलेक्ट कर सकें। तो इसी तरह जो आगे प्रोसेस है, फिर अंडर 23 होता है, तो धीरे धीरे इस टाइप से आप फिर उसके बाद रणजी प्लेयर, आपकी जो स्टेट लेवल की टीम होती है, रणजी ट्रॉफी होती है, बहुत सारी ट्रॉफियाँ होती है, विजय हजारे ट्रॉफी होती है, तो ये सब खेलने के बाद आप जहाँ जहाँ आपका अच्छा प्रदर्शन होता गया आप इंडिया के लिए सिलेक्शन आपका तभी होगा। अब बात आती है कौन सी एज से मैं क्रिकेट खेलना शुरू करूँ। दोस्तों आप जितना लेट करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है क्रिकेट के अंदर। 5 साल 6 साल से स्टार्ट कर दे रहे हैं एकेडमी डालना, तो एक 6 साल से क्रिकेट खेल रहा है और एक आप 19-19 साल के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप में दोनों में कितना डिफरेंस होगा आप सोचिए। तो इसलिए आपने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्लेयर नहीं बन सकते, अगर आपने बचपन से थोड़ा थोड़ा भी क्रिकेट खेला है तो क्या है आप जल्दी पकड़ सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेला तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि
मैं एकदम क्लियर कट बता रहा हूँ, मैं किसी की तरह बेकूफ नहीं बना रहा हूँ कि आप भाई, कई लोग बोलते हैं भाई नहीं नहीं आप बन ही सकते हो, आपके अंदर बहुत उत्साह है बनने के लिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। सिंपल सी एक बात बताता हूँ, अगर आप कभी स्कूल पढ़े ही नहीं है, फर्स्ट क्लास से लेकर दसवीं क्लास तक स्कूल पढ़े ही नहीं है, और सडनली आपको ये कोई बोल देता है कि ले भाई आप दसवीं का एग्ज़ाम दे, पूरी दसवीं की बुक्स हैं, तो क्या आप उसको कवर कर पाओगे? बहुत मुश्किल होगा, आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होगा तब जाके आप वो शायद क्लियर कर पाएंगे, नहीं तो आपके लिए इतना ही मुश्किल होगा। एक बच्चा फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहा है और आप सडनली दसवीं क्लास में डायरेक्ट जा रहे हैं, तो इस टाइप से थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर सिलेक्शन लेना है सोच समझ के, और आपने बचपन से क्रिकेट खेला भी है तो आपके आपको बेसिक का कुछ भी पता नहीं होगा, बेसिक्स क्या होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, आप जब भी ट्रायल के लिए कहीं पे जाते हैं तो आपका बेसिक देखा जाता है कि आपका इसका बेसिक कैसा है, आपकी टेक्निक देखी जाती है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप अंडर 19 तक 20 साल में भी शुरू कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 26 साल 27 साल तक भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हैं, डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी आपने। और एकेडमी से आप कॉन्टैक्ट करें, हर कोई मेरे को ये पूछ रहा है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक कौन सी एकेडमी है मेरे को पता बता दीजिए कि नज़दीक। भाई देखो सारे इंडिया में इतनी एकेडमी है कि कोई किसी के पास इतना डेटा होगा ही नहीं, तो आप सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप गूगल में सर्च करिए, एकदम आपको जो भी आपके नज़दीक होगा ना एकेडमी, बिल्कुल गूगल में वहीं पे दिखा देगा इतनी किलोमीटर दूर आपसे ये एकेडमी है। फिर आप जहाँ पर आपका सूटेबल है, जहाँ पर आप सस्ता एकेडमी में जहाँ जाना चाहते हैं, आप उनको उनके सब कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ ईमेल आईडी सब दी हुई है उनमें, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि उनसे कि भाई मैं एकेडमी ज्वाइन कर सकता हूँ, कोच आपको जो भी हैं बता देंगे, सॉल्यूशन वो आपको देंगे, तो आप अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, जितना लेट करोगे उतना आपको प्रॉब्लम आएगा, जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।